हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो लास्ट ब्लॉग में हम लोग गए थे मनीनाग ट्रिप साइकिल पे, और उसी टाइम पे मैंने बोलोगढ़ महोत्सव की बात करी थी। तो इस बार चलिए हम घूमने चलते हैं अपना ही गांव का महोत्सव, बोलोगढ़ महोत्सव। और ये रहा सामने मेन गेट, जहां से पूरा फेस्ट स्टार्ट होता है। वैसे ये 2004 से चल रहा है, और अभी 2 साल बंद था कोविड के लिए, लेकिन अभी 2 साल बाद बड़े ही ग्रांड तरीके से हो रहा है। और इतनी सारी दुकानें लगी हुई है और इतने सारे सेल्स हो रहे हैं कि पैसा ही पैसा होगा। खैर, अभी हम ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुके हैं और चारों तरफ मुझे ग्रीन कारपेट्स पीछे दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, धूल कम उड़ेगी। और सामने ये ग्रैंड स्टेज जहां पर अभी चल रहा है क्विज प्रोग्राम, जहां पर हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। और चारों तरफ ये स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है, जहाँ पर तरह तरह की दुकानें हैं, घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो ये रहा स्टेज का सामने वाला एरिया, जहाँ पर अभी बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए हैं क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अभी तो खाली खाली लग रहा है, रात होने दो, फिर देखना कितना भीड़ होगी। तो जैसे कि अभी भीड़ बहुत कम था, तो मैं निकल पड़ा मीना बाज़ार की तरफ। वहाँ पर जाके अभी थोड़ा सा घूम के आ जाऊँगा वापस, फिर रात में वह उस तरफ जाएँगे, लेकिन भीड़ बहुत होगी। अभी से ही यहाँ पर कुछ खाने की स्टॉल वगैरह आ गई हैं, जैसे ये गुपचुप आइसक्रीम वगैरह हो गया, या फिर क्या है, चिकन घुगनी। खैर, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह अभी स्टार्ट हो रहा है इनका, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:30, बाद में ही इवनिंग को होगा। और यहाँ पर दुकान वगैरह भी खोलना स्टार्ट हो गया है, और भीड़ तो नहीं है कुछ भी, लेकिन आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। और ये कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रैगन राइड है, एंड ऑब्वियसली अभी बंद है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इवनिंग को सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो हम आएंगे, ड्रैगन राइड पे भी बैठेंगे, और सामने चक्री वाला राइड भी है उसमें भी बैठेंगे, ऊपर से बढ़िया व्यू आएगा पक्का। तो ये जो पूरा मेला चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पूरे एरिया में जितने भी दुकान हैं, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल और सस्ते दाम में। और काफ़ी नए और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिलती है यहाँ पर। वैसे मैंने तो बहुत कुछ ख़रीद लिया है, और फ़िलहाल मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। और अभी ये झूला भी स्टार्ट हो गया है, और थोड़ी देर बाद ये क्विज प्रोग्राम जो चल रहा है वो भी ख़त्म हो के कल्चरल इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट से मैं घर जाके जैकेट्स वगैरह लेके आ जाता हूँ। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम ग्राउंड के अंदर वापस आ चुके हैं। हाँ, जल्दी आ गए क्योंकि हमारा घर यहीं पीछे ही है ग्राउंड के, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम वापस से यही मीना बाज़ार के साइड पे ही घूम रहे हैं, क्योंकि इसी साइड पे ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे ये बच्चे मज़े कर रहे हैं झूला झूल के, अब वैसे हमको भी इस चक्री वाले झूले पे बैठ के मज़ा लेना है, क्योंकि ऊपर से जो नज़ारा आता है ना, वो बहुत बढ़िया आएगा। और ये ड्रैगन भी चलाना है। खैर, अभी तो हम चलते हैं स्टेज की तरफ, क्योंकि वहाँ पर कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, प्रोबेबली सम ट्राइबल डांस, आई डोंट एग्जैक्टली नो द नेम, बट देखने में काफ़ी बढ़िया है। फिर हम चल पड़े कुछ नया ट्राई करने को, जो था ये स्मोक बिस्किट्स। सो बेसिकली वो वेफर्स के अंदर ये लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह डाल के दे देते थे, जिसको हमको खाना था, और उसको खाने से मुंह से नाक से धुआं निकलता था, बस इतनी चीज़ के लिए 30 रुपये को पैसा बर्बाद। वैसे अब तक तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे। फिर हम चल पड़े वापस से मीना बाज़ार की तरफ, क्योंकि स्टेज के पास थोड़ा भीड़ बढ़ गई थी और यहाँ पर खाली था, और कुछ ख़रीद भी लेते, जैसे कि ये कीचेन वगैरह 10-10 रुपये में इतना बढ़िया सामान मिल रहा है, और क्या ही चाहिए, मतलब कुछ भी मिल रहा है यहाँ पर बस 20-30 रुपये के अमाउंट पे। और वहाँ पर अब मैंने देखा कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और फिर देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि चलना ही मुश्किल हो गया। मतलब मैं खुद नहीं चल रहा था, लोग मुझे चलाते हुए ले करके जा रहे थे। तो बड़े ही मुश्किल से वहाँ पर से निकल कर हम वापस आ गए स्टेज के तरफ, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुका है।
और आज जो है बोलगढ़ महोत्सव का आखिरी इवनिंग है, तो कल तो और कुछ रहेगा नहीं, तो आज सब घूम रहे हैं यहाँ पर। और फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक के जो भी डांस चल रहा था उसको थोड़ा देखने के बाद वापस से चल गए मीना बाज़ार की तरफ, क्योंकि हमको ड्रैगन पे बैठना था। बिल्कुल काफ़ी मज़ा आया, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं स्टेशन जैसा बना हुआ है जहाँ पर ये ड्रैगन ट्रेन बना हुआ है, और उस पर बैठ के हमको ऐसे गोल चक्कर ही घूमना है, दैट्स ऑल। लेकिन मज़ा बहुत आया सच में। और उसके बाद अब टाइम आ गया है इस पर बैठने का, जहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला था। और ऊपर से जो व्यू है ना, देखिए बस आप इसको, पूरा ग्राउंड ऊपर से कितना बढ़िया दिख रहा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर पेट पूजा, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी है। इतने टाइम से घूम रहे हैं, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी खाना खाने का टाइम आ चुका है। सो आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई दिस ठुमका पूरी, जो कि कटक बाली यात्रा का काफ़ी फेमस फूड है। और ये हमको 70 रुपये पे ये बड़े से एक पूरी के साथ ये छोले की करी और कुछ चटनी दिया जा रहा था, जो कि काफ़ी बढ़िया था टेस्ट में और पेट भी भर गया। और फिर पेट भर खाने के बाद मैं चल पड़ा स्टेज की तरफ, क्योंकि कल्चरल इवेंट्स भी तो देखने थे ना। और जब तक जुगाड़ लगा के सीट मिला तब तक 2-3 परफॉर्मेंस हो चुके थे, लेकिन अभी कुछ चल रहा है तो उसको एंजॉय करते हैं। फिर स्टार्ट हुआ जनरल मीटिंग्स, जहां पर आए हुए थे हमारे एरिया के एमपी एमएलए और भी बहुत लोग। लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज सिर्फ भुवनेश्वर कटक राउरकेला नहीं, यहाँ पर भी हॉकी वर्ल्ड कप का बात चल रहा है। विश्व दरबार में मतलब परिचित प्रतिष्ठित करने के लिए आप उद्यम कर रहे हैं, तार नमूना है जो हॉकी वर्ल्ड कप जो 11 तारीख को आरंभ होने वाला है। और फिर जनरल मीटिंग्स खत्म होने के बाद भी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हुए। ओडिशा में कोई भी इवेंट हो, अगर संबलपुरी गाना नहीं बज रहा है ना, तो पूरा इवेंट अधूरा अधूरा होता है। तो ये बच्चों के डांस प्रोग्राम के बाद कुछ मॉडर्न डांस वगैरह भी हुआ था, लेकिन इतना देर तक मैं रुक नहीं पाया था क्योंकि मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है। 5 वीडियो में ऑलरेडी कॉपीराइट लगा हुआ है, और कॉपीराइट नहीं चाहिए, और इन गानों में तो पक्का कॉपीराइट लगने वाला है। वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, मुझे कल सुबह निकल के साइकिल से वापस से भुवनेश्वर चलना है। सो दैट्स द एंड ऑफ बोलगढ़ महोत्सव 2022। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बी कूल, वॉक स्मार्ट। Thank you.